हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो एक गुड न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ कि भाई उत्तराखंड का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था, क्वेरी आ रही थी, मैम उत्तराखंड का कुछ भी नहीं आ रहा है। तो भाई उत्तराखंड ने कमाल कर दिया है कि डीवी नहीं हो रहा है, अब आपका क्या हो रहा है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा रहा है आपका, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा था, उसका ये आपका क्या है, डायरेक्ट आपका डीवी नोटिस नहीं आया, ये पूरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है उनका, अपॉइंटमेंट लेटर इसको बोलेंगे, डीवी नोटिस नहीं है। सारी चीज़ें क्या है मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। देहरादून का आपका ये है, तो इसको ना मैं थोड़ा सा साइड में लगा दूंगी, ठीक है, साइड में लगा दूंगी, बाकी आप इसको देखकर समझ जाइएगा कि देहरादून ने जो है वो कमाल कर दिया है उत्तराखंड ने, कि भाई डीवी नोटिस नहीं दिया है इन्होंने, डायरेक्ट आपका क्या भेज दिया है, ज्वाइनिंग करने की डेट दे दी, भाई इस डेट पर आपको ड्यूटी पर आना है, इस डेट पर आपको ज्वाइनिंग करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ज्वाइनिंग डेट पर पहुँचना है। तो ये इन्होंने भेज दिया है, तो सबसे फास्ट काम करा है, अभी तक सभी के डीवी नोटिसेज ही नहीं आ पाए हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधे ड्यूटी पर बुला लिया गया है, तो सबसे फास्ट काम किया है यहाँ पर। तो हम लोग पूरा देखते हैं कैसे क्या है। तो साइड में मैं लगा दे रही हूँ, एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, तो वो मैंने सारा कुछ क्या कर रखा है, हाइड कर रखा है उसका नेम एटसेट्रा प्राइवेसी के लिए। बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से आपका आया है, ऑफिस ऑफ द डिप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल देहरादून, ठीक है, देहरादून का आपका ये सब एड्रेस दे रखा है। मेमोरेंडम क्या है, द अंडरसाइंड हेयर बाई ऑफर्स, वो उसके आगे जो भी उनका नेम वगैरह था वो सब लिखा हुआ है। अ टेम्पररी पोस्ट ऑफ एमटीएस, डेफिनेटली ये टेम्पररी पोस्ट है अभी आपकी, इन द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर, ये उन्होंने बताया है। पे मैट्रिक्स लेवल सब लिखा है, कौन सा लेवल है आपका। ही विल ऑल्सो बी इंटाइटल टू डियरनेस एंड अदर अलाउंसेज एट द रेट एडमिसेबल करस्पॉन्डिंग टू द अबव पे, पे स्केल सब्जेक्ट टू द कंडीशन लेट डाउन इन द रूल्स एंड ऑर्डर, मतलब उनका ये कुछ आपको अलाउंसेज मिलेंगे जो भी आपके इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम आपके कैसे होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बदलते रहेंगे, ये सब इन्होंने बताया आपको। इसके साथ क्या मिलेगा, आपको अलाउंसेज भी मिलेंगे, डीएनएस वगैरह। सेकेंड पॉइंट में आपका लिखा है द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट आर एज फॉलोज, देखिए ये अपॉइंटमेंट के आपका टर्म आ गया, ये जो लेटर भेजा गया है स्टूडेंट के पास, डायरेक्ट आपको देखने से लग रहा है अब क्या हो गया है, ये इन्होंने साफ लिख दिया द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट आर एज फॉलोज, ठीक है, कि मतलब अपॉइंटमेंट की टर्म्स क्या हैं, क्या शर्तें हैं। अभी तक किसी का भी नहीं आया ऐसा, सबका में डीवी नोटिस आता था कि भाई इस डेट पर आप आइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वेरीफाई करवाइए, मेडिकल कराइए, ये सब इन्होंने डायरेक्ट भेजा है द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, कि भाई टर्म्स अपॉइंटमेंट की आपकी टर्म्स क्या हैं, शर्तें क्या हैं, वो सब लिखा हुआ है। यानी कि ये क्या है, अपॉइंटमेंट लेटर है आपका, ज्वाइनिंग लेटर बोल सकते हैं, आपको ज्वाइन करना है। तो देखते हैं भाई क्या लिखा है, द पोस्ट इज टेम्पररी, ठीक है, बट इज लाइकली टू बिकम परमानेंट, डेफिनेटली आपका क्या होता है, अभी टेम्पररी है, बाद में आपकी परमानेंट हो जाएगी, इन द इवेंट ऑफ इट्स बिकमिंग परमानेंट हिज क्लेम फॉर परमानेंट एब्सॉर्प्शन विल बी कंसीडर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, ठीक है, अभी आपका वो है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द अपॉइंटमेंट इज टेम्पररी एंड विल नॉट कन्फर एनी टाइटल टू परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, मतलब इन्होंने कोई भी ऐसा टाइटल आपको नहीं देंगे कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है ये, मतलब आप एम्प्लॉयर हैं, ठीक है। थर्ड वाले में है अपॉइंटमेंट इज टेम्पररी एंड इज लायबल, मतलब इन्होंने सब कुछ बता रखा है आपको, अभी आपकी सिर्फ क्या है, परमानेंट नहीं हुई है, टेम्पररी है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। लायबल टू टर्मिनेशन, भाई आपका टर्मिनेशन भी किया जा सकता है इस टाइम में, मैंने आपको बताया था कभी भी आपको निकाला जा सकता है, इस जो आपका टाइम पीरियड चल रहा होता है प्रोबेशन पीरियड, वही आपका टेम्पररी अभी जॉब है, फिर बाद में प्रोबेशन पीरियड के बाद आपका क्या होगा, ये इसकी परमानेंट हो जाएगी। देखिए जब मैंने प्रोबेशन पीरियड वाली वीडियो बनाई थी कि कब से कब तक होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मैंने सब उसमें वहाँ पर बताया कि आपको वहाँ पर उस दो साल का जो पीरियड होता है ना प्रोबेशन का, उसमें आपको निकाला भी जा सकता है बिना कुछ बताए हुए, वही इन्होंने सेम लाइन लिखी है ये थर्ड पॉइंट में। द अपॉइंटमेंट इज टेम्पररी एंड इज लायबल टू टर्मिनेशन एट एनी टाइम बाई अ मंथ्स नोटिस टू बाई सर्व बाई ईदर साइड विद द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑन द अपॉइंटी, ठीक है, विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, बिना मतलब कोई रीजन दिए बिना आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है, ये सब आपका दे रखा है। नेक्स्ट है ही विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 2 ईयर्स, आ गई वही वाली बात, 2 ईयर्स के प्रोबेशन पर है। द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग द पोस्ट विच मे बी एक्सटेंडेड एट द, मैंने ये भी वहाँ पर बताया था कि आपके प्रोबेशन को बढ़ाया भी जा सकता है, अगर आप उस जॉब के लिए अभी सूटेबल नहीं है, उनको कुछ कमी लग रही है, तो वो आपको उसको बढ़ा भी सकते हैं, डिस्क्रिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और ही मे रेंडर हिमसेल्फ लायबल फॉर डिस्चार्ज इन द इवेंट ऑफ हिज नॉट कंप्लीटिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है।
फिफ्थ वाला पॉइंट है द अपॉइंटमेंट कैरीज विद इट द लायबिलिटी। भैया बिल्कुल आपको लायबिलिटी है, दायित्व है आपका सर्व करना, इंडिया के किसी भी पार्ट में अपनी सेवा देना, ठीक है। अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस विल बी गवर्न बाय द रेलेवेंट रूल्स एंड ऑर्डर्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको सब कुछ बता दिया जाएगा क्या कंडीशंस आपकी हैं सर्विसेज की। द ऑफिशियल शैल बी इंटाइटल टू द न्यू रिस्ट्रक्टेड, वो सब आपका दे रखा है कौन से सिस्टम के थ्रू है आपका, ठीक है, ये सब है। थर्ड वाले में द अपॉइंटमेंट विल बी फर्दर सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टिफिकेट टू ऑफ फिटनेस फ्रॉम द कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, द अपॉइंटमेंट विल बी फर्दर सब्जेक्ट टू। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी कि सबसे पहले तो आपको वही जो मेडिकल करवाना है वो, सेकंड कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स ऑब्टेन थ्रू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज बीइंग फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, मतलब वही कैरेक्टर आपका दे दिया गया, ठीक है। सबमिशन ऑफ मैरिटल डिक्लेरेशन की भाई मैरिज वाला वो होता नहीं आपका, वो होना चाहिए। मैरिज मैरिटल डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, जो भी आपका फॉर्म दे रखा होगा आपको पता है अटेस्टेशन फॉर्म में जो फॉर्म आते हैं वो। टेकिंग ऑन एन ओथ ऑफ एलिजियंस फेथफुलनेस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब वही आपकी ओथ वाला डिक्लेरेशन वाला वो होता नहीं है लास्ट में आपका, उसमें देखा होगा अटेस्टेशन फॉर्म में सब वो फॉर्मेट लगे होते हैं एलिजेंस के वो आपका, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज देयरफॉर वेयर नेसेसरी, कि आपको सारी कॉपीज मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाने हैं, ओरिजिनल लेके जाने हैं। कौन कौन से लेके जाने, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल एंड अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन विद एन अटेस्टेड कॉपी, अटेस्ट करवा के मतलब अटेस्ट करके आपको वो लेकर जानी है ये सारे सर्टिफिकेट, उसके बाद अटेस्ट। सर्टिफिकेट ऑफ एज विद एन अटेस्टेड कॉपी, वही एज का वही होता है आपका 10th की मार्कशीट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म होना चाहिए, ड्यूली अटेस्टेड बाई ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल, यहाँ पर आपको SDM या DM से साइन कराने या उनसे भी ज्यादा आपका कोई और हो, ठीक है, सुपीरियर। नेक्स्ट है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए अगर आप ESM हैं। OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए नॉट क्रीमी लेयर का, वो सब आपको पता है इसमें। ये डॉक्यूमेंट्स आपके वही हैं बेसिकली जो आपका सभी में नीडेड हैं, कोई ऐसा अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं इन्होंने बताया है। फोर्थ वाला इट मे प्लीज बी स्टेटेड वेदर द कैंडिडेट इज सर्विंग और इज अंडर एब्लिगेशन, मतलब ये आपको बताया कि कहीं आप और कहीं जॉब में तो नहीं है, वो सब आपको बताना है स्टेट या गवर्नमेंट या सेंट्रल, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं और हैं या नहीं है। फिफ्थ वाले में इफ एनी डिक्लेरेशन गिवन और इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट प्रूव्स टू बी फॉल्स और इफ द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी हैव विलफुली सप्रेस्ड एंड मटेरियल इन्फॉर्मेशन ही विल बी लायबल टू रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड सच अदर एक्शन एज द गवर्नमेंट, मतलब क्या है बेसिकली वही जो मैंने आपको हर नोटिस में यही लिखा होता है कि अगर आपके द्वारा जो भी आपके फॉर्म जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपने अटेस्टेशन फॉर्म में जो भी चीज़ें भरी हैं फॉल्स पाई गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जॉब चली जाएगी, टर्मिनेट आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। और सिक्स वाला पॉइंट दे रखा है इफ, उसके आगे उनका नाम दे रखा है, एक्सेप्ट द ऑफर ऑन द अबव टर्म्स, अगर जो कैंडिडेट हैं वो ये जो ऊपर उन्होंने टर्म्स दे रखे हैं इस पर ये एक्सेप्ट करते हैं उनका ये वाला ऑफर लेटर जो आपका आया है, ऑफर लेटर आपका ये आया है, ठीक है। ही शुड कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस टू द अंडरसाइंड बाई 28 नवंबर, यहाँ तक आपको क्या करना पड़ेगा ये एक्सेप्टेंस वाला आपको उनको बताना पड़ेगा 28 नवंबर तक कि भाई आप ये ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। If no reply is received or the candidate fails to report for duty by the prescribed date, मतलब उस डेट पे आपको क्या करना है, जाना है भाई ड्यूटी पे जाना है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, या पहले ही आप उन्हें बता दीजिए कि भाई मैं आ रहा हूँ एक्सेप्टेंस है मेरा या ऐसे करके, द ऑफर शैल बी ट्रीटेड एज कैंसिल्ड, ऑफर को क्या करा जाएगा कैंसिल कर दिया जाएगा। नो ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर ज्वाइनिंग द अपॉइंटमेंट, अलाउड फॉर ज्वाइनिंग द अपॉइंटमेंट, ये जो लास्ट लाइन लिखी है ना नो ट्रेवलिंग अलाउंस विल बी अलाउड फॉर ज्वाइनिंग द अपॉइंटमेंट, यहीं पे इसका पूरा वो हो जाता है कि डेफिनेटली मतलब कन्फर्म हो गया इस लाइन से कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, ज्वाइनिंग के लिए आपको बुलाया जा रहा है। बाकियों में क्या लिखा होता था, DV के लिए मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर आपका क्या है फॉर ज्वाइनिंग द अपॉइंटमेंट के लिए आपको कोई भी अलाउंस नहीं दिया जा रहा है। बाकी यही आपका सारा था, ठीक है। तो ये आपका वही देहरादून का आ गया है उत्तराखंड का, तो बहुत ही बढ़िया बात है कि इन्होंने डायरेक्ट क्या बुला लिया है आपको, ज्वाइनिंग के लिए बुलाया है, 28 नवंबर पर आपको क्या जाना है ड्यूटी के लिए आपको जाना है, यानी हो सकता है वो आपका पहला दिन हो, अपने डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने बताए हैं वो सारे लेकर जाने हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स के पास ये नोटिस आया है तो उन सभी को ऑल द बेस्ट, भाई सबसे पहले आप ही लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, ऑफर लेटर आपके पास आ चुका है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए। और जिनका अभी नहीं आया है वो वेट करिए, देखिए अब आने शुरू हो गए उत्तराखंड के भी फास्टली, बहुत मतलब जल्दी से आ रहे हैं आपके, देखिए
और डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे बुला लिया जा रहा है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बहुत फास्ट प्रोसेस हो रहा है इस बार एसएससी का वैसे भी, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है। और चिंता बिल्कुल मत करिए कि मेरे पास मेल नहीं आ रहा, मेरा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल आपका होगा, ये आपके पास प्रूफ है कि देर सही क्या बोलते हैं भगवान के कर, देर है अंधेर नहीं है, तो देर हुई है लेकिन इतनी भी देर नहीं हुई। मैंने आपको पहले भी बताया था ज्वाइनिंग प्रोसेस में 2-3 महीने लग जाते हैं, तो ऐसी कोई खास डिले नहीं हुआ, लेकिन फास्ट प्रोसेस सबसे ज़्यादा देहरादून ने हमारे करके दिखाया है। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट जिनका भी ये नोटिस है, और जिस कैंडिडेट ने मुझे भेजा है उसको भी ऑल द बेस्ट एंड उसका थैंक्स भी कि उसने मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को भी इस इन्फॉर्मेशन को बता पा रही हूँ, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी हो नंबर आपको प्रोवाइडेड है, कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है, काफ़ी सारे बच्चे उसमें ऐड भी हैं, आपको अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरीके की वीडियोस अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। जैसे ही मुझे नोटिस मिलता है वैसे ही मैं आपको क्या बता देती हूँ, आपको तुरंत अपडेट कर देती हूँ वीडियो के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइव शाम को आना 9 बजे, मत भूलिएगा, डाउट सेशन आपका रहता है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और मैं अकाउंटेंट भी हूँ साथ में, आप अपना लोन PF GST जो भी आपके वर्क होते ना ITR वगैरह अकाउंट के, हमारी पूरी टीम है, तो आप वो वर्क भी मुझसे करवा सकते हैं, नंबर पर कभी भी कॉल या मैसेज करके उसकी भी इंक्वायरी ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क हो जाएंगे। तो अपने रिलेटिव फ्रेंड से आपका कोई वर्क हो, भाई जॉब में आ रहे हैं बिल्कुल ITR अब आपको फाइल करना होगा, तो कोई भी वर्क को जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट सभी को, और बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, आप लोगों का भी धीरे धीरे आवाना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।